दोस्तों, आज की ये सब्जी देखिए, देखने में लग रही है ना बहुत ही ज्यादा लजीज, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। जितनी ये देखने में सुंदर लग रही है ना, खाने में उससे भी ज्यादा टेस्टी है। एक बार अगर आप अपने घर पे इसको बना लोगे ना, तो दोबारा जरूर बना करके खाओगे और उंगलियां चाट चाट के खाओगे। इतनी ज्यादा लजीज बनती है ये सब्जी। इसको दोस्तों आप पूरी, पराठे, पुलाव किसी भी चीज के साथ बना सकते हो, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आएगा। एक बार जरूर बनाना और दोस्तों को खिलाना, जरूर आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। बहुत ही कम सामान में और घर के अवेलेबल सामान में ही बन जाता है। समटाइम्स हमारे पास बहुत ज्यादा सब्जी का ऑप्शन नहीं होता है, तो बहुत ही कम सामान में इतनी टेस्टी और लजीज सब्जी आप घर पे बना सकते हो। तो जरूर ट्राई करना अपने घर पे और जरूर बताना हमें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त किरण, और आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज की रेसिपी बनाने के लिए, टेस्टी रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले आपको आलू चाहिए होगा। आलू तो आपके घर में इजीली मिल ही जाता है ना, हर घर में होता है। तो आलू को दोस्तों यहाँ पे हम लगभग आधा किलो आलू, आप थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में, जितना भी आपको बनाना है, दो लोगों के लिए, चार लोगों के लिए, जितना भी बनाना है उतना आप आलू ले ले। और आलू को क्या करना है, बॉईल करना है सबसे पहले स्टेप में। तो कुकर में डाल करके आपको बॉईल करना है, और ध्यान रखिए कि बहुत ही ज्यादा बॉईल नहीं करना है, बहुत ही ज्यादा जो गलाना होता है ना, बिल्कुल वैसा नहीं गलाना है। तो कुकर में यहाँ पे आपको पानी डाल करके, और लगभग दो सीटी, सिर्फ दो सीटी डालिए, दो सीटी तक में ही, दो विसल में ही बहुत ही अच्छे से हमारा आलू जो है बॉईल हो जाएगा। उसके बाद हमें जो सामग्री चाहिए होगा वो हमने लिया है, ये चार मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, आप देख सकते हैं, दो मीडियम साइज के टमाटर लिए हुए हैं, और उसके बाद यहाँ पे हरी मिर्ची लगभग दो ली हुई है। मिर्ची आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज्यादा रख सकते हैं। और उसके बाद लहसुन लिया है और लगभग 10-12 कली, 1.5 इंची के आसपास। अदरक है, फ्रेश जो पुदीना का पत्ता होता है ना, फ्रेश पुदीना का पत्ता वो ले ले, कुछ चाहिए होगा। और इसमें सब पत्ते वत्ते सभी क्लीन करेंगे, और थोड़ा सा धनिया का पत्ता चाहिए होगा। तो इतनी सामग्री आपको चाहिए होगा। तो इसको हम फटाफट से क्या करते हैं, रेडी करते हैं। तो सभी चीज़ों को हमने प्याज वगैरह काफ़ी अच्छे से छील लिया है, वॉश कर लिया हुआ है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप में हम यहाँ पे हमारा जो प्याज है ना उसको चॉप करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास हैंड चॉपर है, जो कि मैं हर वीडियो में यूज़ करती हूँ, जिससे कि हमारा ग्रेवी जो है ना बहुत ही अच्छा होता है। बिना प्याज को पीसे हुए आप जो है बहुत ही परफेक्ट ग्रेवी बना सकते हैं। ये वाला हैंड चॉपर मैं इसलिए हर वीडियो में दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को जो है किचन का काम इजी हो जाए, आसान हो जाए। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं दोस्तों, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ। बहुत ही ईजिली हमारा जो है प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सभी चीज़ें जो है ना ग्राइंड भी हो जाती है, बहुत ही बारीक हो जाती है, और हमारी जो ग्रेवी होती है ना बहुत ही परफेक्ट होती है। इसलिए जो है यहाँ पे मैंने प्याज को कर लिया है। और उसके बाद मतलब बिना मिक्सी के जो दोस्तों आप यहाँ पे इस तरह के हैंड चॉपर में इतने अच्छा काम कर सकते हैं। तो पहले मैंने प्याज कर लिया, उसके बाद यहाँ पे अदरक लहसुन डाल दिया है, साथ में मैंने पुदीना पत्ता लिया हुआ था वो भी डाल दिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा धनिया के पत्ता को क्या करें, थोड़ा थोड़ा काट करके डाल दीजिएगा। तो बहुत ही बढ़िया हमारा जो है एकदम महीन वाला जो बारीक होता है ना, वैसा पीसा जैसा पीसते हैं ना वैसा हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बारीक लग रहा है ना, इसको हमने बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, पीस लिया है, मतलब चॉप कर लिया है, पीसा नहीं है, चॉप किया। इसी तरीके से जो है यहाँ पे हम टमाटर चीज को भी बहुत ही अच्छे से कर सकती हूँ। तो वीडियो में सब चीज दिखाने का मतलब है कि आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आपके अगर हाउस वाइफ है तो ये आपके किचन का काम करना बहुत ज्यादा ईजी कर देगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। तो सभी चीजें हमने रेडी कर ली है, हमारा आलू भी एक तरफ बॉयल हो चुका है। आलू को हमने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं पील कर लिया, छिलका निकाल दिया है। और यहाँ पे आलू को क्या करना है, जो चार पीसेज, पांच पीसेज, जितने भी छोटे बड़े साइज आपको आलू चाहिए ना वैसा आप कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही बोला आलू को बहुत ही ज़्यादा गलाना नहीं है, नहीं तो फिर सब्जी जो है ना बहुत ही अजीब सी हो जाएगी, अच्छी नहीं बनेगी। तो आलू को काट लिया है, उसके बाद यहाँ पे आधा कप आपको दही चाहिए होगा। मेन जो हमारा यहाँ पे सब्जी में जो चीज़ होता है वो हमारा दही होता है, दही भी हर घर में होता है। तो दही लगभग आधा कप यहाँ पे डाल दे, मैरिनेट करना है हमें आलू को, इससे हमारी सब्जी का जो स्वाद है ना डबल ट्रिपल गुना बढ़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून यानी कि चौथाई कप जो है चम्मच जो है यहाँ पे हल्दी पाउडर, 1/4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली पाउडर आधा चम्मच, और उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा डालेंगे जीरा पाउडर 1/4 चम्मच, और नमक थोड़ा सा आधा चम्मच डाल के, और फिर उसके बाद हमने जो पुदीना पत्ता और अदरक लहसुन और धनिया पत्ता को बहुत ही बारीक से काटा था ना वो बिल्कुल थोड़ा सा डाल के, और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। इससे हमारा जो ये परफेक्ट दही जो मैरिनेट होगा ना, इससे सब्जी में जो स्वाद आएगा, क्या दोस्तों आप उंगलियां चाट चाट के खाओगे, इतना मज़ेदार सब्जी बनता है ना कि मैं क्या बताऊँ। उसको हम मैरिनेट कर लेते हैं, 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं।
दूसरे साइड पे हमने कढ़ाई रखा है, तो कढ़ाई में यहाँ पे मैं ले रही हूँ तेल। तो आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल, जो भी आप कंफर्टेबल है कुकिंग ऑयल खाने वो ले लें। तो यहाँ पे लगभग 4 से 5 टेबल चम्मच जो है, बड़ा चम्मच आप जो है तेल ले ले, थोड़ा सा तेल यहाँ ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि सब्जी बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली बनानी है ना, इसीलिए। तो आधा चम्मच यहाँ पे मैंने साबुत जीरा ले लिया है, और उसके बाद एक तेज पत्ता रख ले इसके अंदर, और उसके बाद एक लाल मिर्ची आप इसके अंदर डाल सकते हैं, और इसको बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पे पकाना है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे हमारा सभी चीज जो है बहुत ही अच्छे से पक जाएगा, तो हम डालेंगे यहाँ पे हमारा चॉप किया हुआ प्याज, जिसको हमने हैंड चॉपर में चॉप किया था और बहुत ही बढ़िया चॉप हुआ था, इसलिए यहाँ पे आप डाल दें। पीसनेस क्या होता है, बहुत ही अच्छा हमारा प्याज फ्राई नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे आप आराम से बहुत ही बारीक चॉप करें, तो इसके लिए आप हैंड चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्याज को यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से ब्राउन, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो जैसे हमारा यहाँ आप देख सकते हैं प्याज का कलर बहुत ही अच्छे से चेंज हो गया है ना, यहाँ पे हमने चॉप किया हुआ जो हरा धनिया, पुदीना पत्ता और अदरक लहसुन को बहुत ही अच्छे से चॉप किया था वो डाल देते हैं। साथ के साथ ही हरी मिर्ची को थोड़ा सा बीच से थोड़ा सा काट काट के फार करके इसके अंदर डाल सकते हैं, और इसको भी डाल करके आपको यहाँ पे 1 मिनट तक जो है काफी अच्छे से फ्राई करें, जिससे हमारा जो अदरक और लहसुन को जो कच्चापन होता है ना, वो बहुत ही अच्छे से दूर हो जाए। तो कुछ ही देर में हमारा जो प्याज, अदरक, लहसुन ये सभी चीजें बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। तो अब यहाँ पे मसाले डालेंगे। तो मसाले के लिए हम जो जनरली यूज करते हैं, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, तो थोड़ा सा तीखा वाला डाल रही हूँ मैं, आधा चम्मच। तो आधा चम्मच यहाँ पे तीखा वाला डालेंगे, और आधा चम्मच यहाँ पे कश्मीरी वाली लाल मिर्ची डालेंगे, जिसकी मदद से क्या होगा हमारा जो बहुत ही बढ़िया सा हमारा जो स्वाद आएगा और कलर जो है हमारी सब्जी का बहुत ही अच्छा आएगा। तो आधा चम्मच हमने कश्मीरी वाली लाल मिर्ची पाउडर डाल दी है, आधा चम्मच यहाँ पे हम जीरा का पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा, और 1/4 टेबल स्पून हमारी काली मिर्ची का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, वो डाल देते हैं, और लगभग 1 चम्मच धनिया का पाउडर डाल दें। तो इन सभी चीज़ों को डाल करके आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको कुछ ही देर जो है भूनना है, मसाले में बहुत ही जल्दी भून जाता है, कुछ सेकंड, 10 से 20 सेकंड तक आप इसको भून ले। तो 10 से 20 सेकंड भूनने के तक ही जो है बहुत ही अच्छे से हमारा सभी मसाले फ्राई हो जाएगा। इसके अंदर हम डालेंगे हमारा टमाटर चॉप किया हुआ, जो हमने टमाटर को भी बहुत ही अच्छे से बारीक से चॉप किया है, इसकी मदद से देख सकते हैं दोस्तों हमारे सब्जी का और ग्रेवी का जो लुक होगा ना, एकदम रेस्टोरेंट वाला आएगा। तो टमाटर को भी डाल के हमें यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक भून लेना है, ये देखिए। तो बहुत ही बढ़िया हमारा जो कलर दिख रहा है। अब यहाँ पे एक मसाला, दो मसाला हम और डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम नमक डाल देते हैं, जिससे हमारा टमाटर भी बहुत ही अच्छे से फ्राई होगा। नमक डाल करके थोड़ा सा इसको हम भून लेते हैं, नमक डाल के लगभग आधा मिनट 1 मिनट तक इसको अच्छे से भून ले, और फिर उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हम मसाले डालेंगे। तो ये हमारा मसाला है शाही बिरयानी मसाला, जो कि बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन मसाला होता है, वो हम आधा चम्मच या 1 चम्मच डाल सकते हैं, और यहाँ पे मैंने डाला है चिकन मसाला 1 चम्मच। तो दोस्तों अगर चिकन मसाला आप सोचते हैं कि नॉन वेज वाला होता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, वेज का निशान उस पर रहता है, वेजिटेरियन होता है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जी मसाले में भी। अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो कोई भी सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। तो उसको डाल के हमने कुछ देर भून लिया है, और उसके बाद हमने डाल मैरिनेटेड हमारा जो आलू था वो डाल देते हैं। तो इतना में ही देखिएगा कि आपके सब्जी का जो लुक है ना, मैं क्या बताऊं दोस्तों, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको खुद ही समझ में आएगा कि मैं ये सब्जी बार बार क्यों बोल रही हूँ कि इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो हमने मैरिनेटेड आलू डाल करके और इसको 1 से 2 मिनट तक भून लिया है, तो इससे देख सकते हैं आलू का कलर, सब्जी का कलर इतना ज़्यादा टेस्टी आया है कि मैं क्या बताऊं। तो आप यहाँ पे भी जो है इस स्टेप तक भी आप जो है सब्जी को भून करके खा सकते हैं, इस स्टेज पे और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन हल्का सा हम इसको सेमी ग्रेवी वाला बनाएंगे, इसके लिए हमने यहाँ पे पानी डालना है। तो पानी लगभग हम यहाँ पे 1 कप पानी का इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़्यादा ग्रेवी वाला ना बनाएं ये वाले सब्जी, तब जाके सब्जी का लुक भी चेंज होगा और थोड़ा सा स्वाद में भी फर्क पड़ेगा। हल्का सा सेमी ग्रेवी वाला बनाएं, जो कि आप पूरी के साथ, पुलाव के साथ, सभी की चीज़ों के साथ खाने में मज़ा आएगा। तो ढक देते हैं इसको, ढक करके लगभग 5 से 10 मिनट तक सीम पे छोड़ देते हैं, 5 से 10 मिनट के, 5 मिनट मिनिमम छोड़े, 10 मिनट ज़्यादा हो जाएगा आलू और भी ज़्यादा गल जाएगा। तो 5 मिनट मिनिमम सीम पे हमने छोड़ दिया है, और 5 मिनट के बाद आप सब्जी का जब कलर चेक कीजिएगा ना, ये देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब, बिल्कुल जो है ना लजीज रेस्टोरेंट वाला लुक दिख रहा है। नज़दीक से मैंने दिखाया है, ये देखिए कितना मस्त जो है ना, लजीज, टेस्टी, डेलिशियस, सभी चीज़ें मतलब बोल सकते हैं, उंगलियां चाट करके खाने वाले।
तो दोस्तों आप जरूर ट्राई कीजिए, आप अपने घर पे किसी भी छोटे मोटे फंक्शन में ऐसी सब्जी बनाइएगा ना, तो लोग जरूर से जरूर आपकी तारीफ करेंगे और पूछेंगे जरूर कि आपने कैसे बनाया है। तो आप जरूर ट्राई कीजिए इस लजीज सब्जी की रेसिपी अपने घर पे और हमें बताइए कमेंट्स करके। आप इसको गर्मा गर्म से यहाँ पे सर्व कर सकते हैं, देखने में जितना ये टेस्टी लग रहा है ना, ये देखिए खाने में यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा लजीज होगा दोस्तों। तो इसको आप गर्मा गर्म से सर्व कर सकते हैं, थोड़ा सा गार्निश कर सकते हैं हरा धनिया स्प्रिंकल करके, जिससे सब्जी का लुक जो है और भी ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव हो जाएगा। खाने वाले जरूर से जरूर बहुत ज्यादा मजे लेके खाएंगे। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो आलू दही आलू की, कमेंट्स करके हमें बताइए जरूर। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सबसे फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, सी यू सून।